दोस्तों देखो, जिनको भी घुटने में दर्द रहता है तो वो ध्यान दीजिए, जब भी आप चलते हैं तो आपका पंजा बाहर की तरफ निकलता है, बाहर जाता है, तो इसको हमें सीधा रख के चलना है। देखिए, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य, कोई भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि जो जितने भी बीमारियों का कारण है हम खुद ही हैं। पोस्चर आउट होना, खान पान गलत होना, टाइम से नहीं सोना, टाइम से नहीं उठना, बस अपने टाइम को ठीक कीजिए, सोने का, उठने का, बैठने का, और ये ध्यान दीजिए इस तरफ जब भी आप चलें पंजे को सीधा करके चलना है, और पंजों से भी काम लेगा। जब हम पंजों से काम नहीं लेंगे तो प्रकृति का नियम है, वो काम करना खुद बंद कर देंगे दोस्तों, तो इसलिए इनसे भी एक्सरसाइज जरूर करें। और इसके लिए एक्सरसाइज है, एक तो आप समझ गए होंगे कि जब भी आप चलेंगे पैर को सीधा करके चलेंगे, जब भी खड़े होंगे दोनों पैरों पर बरोबर वजन करके तभी खड़ा होना, इस तरह से नहीं होना दोस्तों, क्योंकि फिर हमारा पोस्चर आउट हो जाता है, एक कंधा ऊंचा, एक कंधा नीचा हो जाता है, या कहें तो नाभि हट जाती है पैर से, समझ लीजिए। इसलिए हमें दोनों पैरों पर बरोबर वजन रखना है, और जब भी कुछ उठाएँ तो इस तरह से उठाएँ, एकदम झुक कर ना उठाएँ इस तरह से दोस्तों, इस तरह जो उठाएंगे तो ये आप स्पाइन में नस खिंच जाए, जैसे सिर्फ डिस्क बोलते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जब भी उठाए इस तरह से कुछ भी पकड़ के उठा लीजिए, तो ये थोड़ी छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान रखनी है। और एक ये एक्सरसाइज है, इस तरह से पैर फैला लेंगे, और ये घुटने इसको बोलते कुर्सी आसन, गिनती 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जहाँ तक आप कर सकते कीजिए, और फिर खड़े हो जाइए इस तरह से 5-10 बार डेली कीजिए दोस्तों। इस तरह से कोई भी तोल लीजिए, इस तरह से फोल्ड कीजिए, उसका तकिया बना लीजिए छोटा सा, और जिनको भी दिक्कत उठने में है दोस्तों, गैप आ रहा है तो इसमें घटा खोलिए, और इस तरह से दोनों को इसे रख के आपको बैठना है, जितनी देर बैठ सकते हैं बैठिए, इस तरह से दबाव दीजिए, आप देखेंगे आपको घुटनों की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको कोशिश खुद करनी होगी। देखिए, कोई भी डॉक्टर सिर्फ आपके घुटने बदल सकता है, ठीक नहीं कर सकता आपको। घुटने बदलने के बाद जब तक वो रास्ते बंद नहीं होंगे जिनसे समस्या पैदा हो रही है, कोई भी कैसे ठीक हो सकता है बताइए आप। इस तरह से ठीक है, तो ये रोज डेली करें 5-10 बार, 5 साल से टाइम बढ़ाइए। घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप मेहनत तो करो, कोशिश करो तो सही दोस्तों। और ये तरह से लेट के सारे बैठे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 सीधा हुए, उल्टा हो गया इस तरह से, ये रोज 5-7 बार कर रहे हैं। जिनको भी घुटनों की समस्या है तो देखिए, उनके लिए ये भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं। इस तरह से स्टूल पे कुर्सी पे बैठ जाना है उसको, एक पैर नीचे टस रहेगा और स्टूल पर आप बैठ जाएंगे कुर्सी पे, इस तरह से पंजा उठाना, पैर सीधा उठाना, पंजे को जितना खींच सकते हैं खींच के रोक कर रखना है, बिल्कुल सीधा जितना खींच सकते हैं खींचिए, गिनती 10 मतलब जहाँ तक गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 50 तक लेके जानी है, और फिर एक दूंगा ऐसे ही दूसरे पैर में, जितना पंजा हम खींच कर रखेंगे अपनी तरफ वहीं इसमें आराम मिलेगा, और जो आपका गैप है वो गैप सही होगा, गैप उसे बोलते हैं पोस्चर आउट हो जाता है दोस्तों, पोस्चर सही करना है।
आपकी घुटने में समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तों, और आपको घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सरसाइज कीजिए और साथ में निरोग चूर्ण खाइए, 2-3 महीने आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। आपका दोस्त डॉक्टर। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपका दोस्त डॉक्टर।